Good morning, students. Welcome in Business Studies class. Today, in this session, we are going to start our 9th unit. In this unit, very first chapter is Financial Management. Today, we are going to discuss the three topics of this chapter. One is concept of financial management. Second is role of financial management. And last is objective of financial management. What is financial management? Financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of funds. In other words, financial management is concerned with flow of funds and involves decisions related to procurement of funds, investment of funds in long-term and short-term assets, and distribution of earnings to owners. Real में financial management क्या है? Financial management में हम funds को collect करते हैं कि funds कहाँ से आएंगे, funds का जो flow होगा, inflow होगा और outflow होगा वो कहाँ रहेगा, पैसा कहाँ से आएगा, inflow क्या होगा, कहाँ जाएगा, आउटफ्लो क्या होगा, जहां जाना है उनसे रिलेटेड हमारे डिसीजंस होंगे कुछ. वो डिसीजंस किस फॉर्म में होंगे? लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट्स में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें कितनी अर्निंग्स होंगी और उन अर्निंग्स का कितना परसेंट ओनर्स रखेंगे और कितना परसेंट बिजनेस में रिजर्व की फॉर्म में रखा जाएगा. ये सब डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जा रहे हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी. We can understand the concept of financial management with the help of this diagram. In this diagram, very first, two aspects of financial management. It means financial management contains two main aspects. First aspect is optimum procurement of funds. It means identifying the various sources of funds. कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, सोर्सेज क्या रहेंगे, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज रहेंगे, कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज रहेंगे. आप शेयर्स इशू करके मनी कलेक्ट करोगे, डिबेंचर्स की हेल्प से मनी कलेक्ट करोगे, पब्लिक डिपॉजिट्स यूज करोगे, बैंक से लोन लोगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, ठीक है. इस तरह से आपने सोर्सेज डिसाइड करने हैं. सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग द सोर्सेज विद लो कॉस्ट एंड लेस रिस्क. जब आपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, तो अब उन सोर्सेज को इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट करने का मतलब कि उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है, जिसमें से हमने बेस्ट एक सोर्स, एक दो तीन जितने भी हम सोर्स ऑप्ट करना चाहें फाइनेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जिस भी सोर्स को हम ऑप्ट करने जा रहे हैं वो सोर्स क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट वाला होना चाहिए, यानी कि हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए पे करना पड़े एंड लेस रिस्क, उसमें रिस्क भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. एंड द सेकेंड आस्पेक्ट इज ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फंड्स. अब आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स को, सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से एक बेस्ट सोर्स, एक या दो जितने भी सोर्स हैं हमने सेलेक्ट कर लिए. अब सेलेक्ट करने के पास आपके पास फंड्स आ गए हैं. अब फंड्स जो आ गए तो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फंड्स, उन फंड्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए. क्योंकि अगर बिजनेस में पैसा तो है लेकिन उस पैसे का हम प्रॉपर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉफिट नहीं देगा. इन्वेस्टिंग फंड्स इनटू द प्रॉफिटेबल चैनल्स so that the return on investment means ROI is greater than cost of funds. जो funds हमने select किए थे उनको collect किया था
उन फंड्स को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जिनसे हमारा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर हो जाए। किससे? कॉस्ट ऑफ फंड से। उन फंड्स के लिए जितना इंटरेस्ट, जितना डिविडेंड हमने पे करना है उससे ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा उस इन्वेस्टमेंट सोर्स से हमें अर्निंग होनी चाहिए। दीज टू एस्पेक्ट्स आर द इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। All the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management. क्योंकि finance is the lifeblood of business. The common activities and areas which are influenced by the financial management are, first one is size and composition of fixed assets. The size and composition of fixed assets depend directly on investment decision. That is how much capital company is planning to invest. कि हमारे fixed assets में हम कितना पैसा invest करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे पास fixed assets होंगी उतना ही हमारे लिए beneficial रहता है, हमारे profit margins increase हो जाते हैं। हमने financial management में very first decision जो लेना है वो ये लेना है कि हम अपने fixed assets में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। इट मीन्स क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। कि आप कितना प्रपोर्शन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस प्रपोर्शन का भी हमने डिवीजन करना है। किसमें डिवीजन करना है? ब्रेकअप इनटू कैश, कि कितना हम कैश की फॉर्म में रखेंगे, कितना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक, स्टॉक में कितना रखेंगे, रिसीवेबल्स यानी कि बिल रिसीवेबल्स की फॉर्म में कितना रहेगा। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एटसेट्रा आल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन। अब ये सारे जो हमने ब्रेकअप करना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब जितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट हो गया, बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होगा। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी के सप्लायर्स कंपनी को उधार में माल देते हैं या नहीं देते हैं, कंपनी खुद अपने कस्टमर्स को उधार में माल देती है या नहीं देती है, ठीक है, इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, हम करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंपनी की इन्वेंट्री को होल्ड करने की पॉलिसीज क्या हैं? कंपनी का जो स्टॉक है वो गोदामों में बहुत लंबे टाइम तक भरा पड़ा रहता है और एक ही साथ इकट्ठा बिक जाता है बाद में, ठीक है, या साथ साथ माल आता रहता है और साथ साथ बिकता रहता है। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो इन सब बातों को पॉइंट आउट करते हुए एक कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो करंट एसेट्स का कॉम्पोजिशन डिसाइड करेगा और फिक्स एसेट्स का कॉम्पोजिशन भी डिसाइड करेगा। थर्ड वन इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट टू बी रेस्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड्स depends upon the financial management of the organization. The firm which has a policy of liquidation after prefer to have more of long-term finance, although with that profit will decreases as company has to pay more interest on long-term debts as compared to short-term debts. जब एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना है कि कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कितने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज करेगी और कितने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज करेगी, तो वेरी फर्स्ट वो फाइनेंस मैनेजर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा। अब अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्टडी करते हुए फाइनेंस मैनेजर के सामने एक पॉइंट आता है लिक्विडेशन,
कि कंपनी जो है लिक्विडेशन की पॉलिसी को प्रेफर करती है। लिक्विडेशन मींस कि कंपनी को ज्यादा कैश इन हैंड चाहिए होता है, कंपनी क्विक पेमेंट्स कर देती है, कंपनी कोई भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज नहीं करती है। अगर क्रेडिट पे परचेज करती है तो क्रेडिट होल्ड जो पीरियड है वो बहुत ही लेस होता है, जैसे 3 डेज, 5 डेज, 6 डेज, ठीक है, कि इस दौरान कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देती है। मोर देन 6 डेज, मोर देन 5 डेज कंपनी अपने सप्लायर्स की पेमेंट्स को होल्ड नहीं करती है। तो इट मींस कंपनी की पॉलिसी कौन सी है, लिक्विडेशन की पॉलिसी है। अब अगर कंपनी की लिक्विडेशन की पॉलिसी है तो कंपनी को मोर कैश चाहिए, क्यों, क्योंकि उसे अपनी पेमेंट्स क्या करनी है, क्विक करनी है। अब पैसा उसके पास हर वक्त पड़ा होना चाहिए, तो यानी कि उसको कौन से सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करने पड़ेंगे। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हो तो उसका जो आपका मतलब कॉस्ट होगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का कॉस्ट होगा वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के कंपैरिजन में क्या होगा, हायर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप बैंक से लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हायर होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप बैंक से लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लोअर होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जैसे ही आप हायर कॉस्ट पे करोगे तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी को ये चेक करना है कि कंपनी का जो पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो किस नेचर की हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करेगी या शॉर्ट टर्म सोर्सेज को यूज करेगी। नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज कर रही है, अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या आते हैं, शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, इन सबको आप क्लास 11 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, शेयर होल्डर्स आर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी, और अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम तक कंपनी जब तक चलेगी तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाएगा, उसके बाद उनका इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए बंद हो जाएगा, कंपनी को उसके बाद इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो अब आपको, अगर आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करती है तो आपको ये डिवीजन करना है कि आप कितने इक्विटी शेयर्स इशू करोगे और कितने डिबेंचर्स इशू करोगे। ये डिसीजन भी कहां लिए जाने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाने हैं। लास्ट वन इज ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय decisions of financial management. Generally, items related to expenses and revenue are recorded in profit and loss account. आपने class 11 में भी profit and loss account बनाया, 12 में भी बना रहे हो। profit and loss account में हम mainly क्या बनाते हैं, expenses लेते हैं debit side में, revenues लेते हैं कहाँ, credit side में। अब ये expenses और revenue कहाँ से generate हो रहे हैं, ये बिजनेस से जनरेट हो रहे हैं, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इनको जनरेट कर रहा है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपके प्रॉफिट्स को कम कर देंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि अगर आप उन एक्सपेंसेस पर कम स्पेंड करोगे तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को चूज करते हो तो वी पे मोर इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपका जो फाइनेंस का मोर प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट है तो जितनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स होंगी तो आपका डेप्रिसिएशन उतना ही मोर चार्ज होगा, इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस, जिससे आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करते हो तो इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स में कम प्रपोर्शन इन्वेस्ट है तो आपका डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, कम चार्ज होगा, तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे।
तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दीज आर द 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीज द वर्थ ऑफ द शेयर होल्डर। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर्स। द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज कंप्यूटेड एज नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर मल्टीप्लाई द मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ कम टू द एग्जाम्पल, इफ मिस्टर अरुण बाइज 100 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ₹200 each, हिज वेल्थ इन द कंपनी इज ₹20,000। मिस्टर अरुण के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स उन्होंने एक शेयर जो है वो परचेज किया है कितने रुपीज में, 200 रुपीज में परचेज किया है। तो अब उनका कितना वेल्थ है, वेल्थ मींस कि उनकी कितनी मनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट है, दैट इज 20,000 रुपीज उनका कंपनी में इन्वेस्ट है और यही 20,000 रुपीज क्या है, उनकी वेल्थ है। अब फाइनेंस मैनेजर का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, कि उसने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने का मतलब कि कंपनी में शेयर होल्डर ने जो 20,000 रुपीज लगाए हैं उसके 20,000 रुपीज को इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएगा फाइनेंस मैनेजर? आफ्टर सम टाइम द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस टू ₹230। अब क्या होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है, और शेयर का जो प्राइस ₹200 पर शेयर था इंक्रीज होकर ₹230 पर शेयर हो जाता है। अब मिस्टर अरुण के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स। अब आज अगर उनके वेल्थ को चेक किया जाए तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹230, तो उनकी जो टोटल वेल्थ है, टुडेज वेल्थ उनकी क्या आ जाएगी, 23,000 रुपीज। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹3,000 इन हिज वेल्थ। उनकी वेल्थ में कितना इंक्रीज आ गया, 3,000 रुपीज का इंक्रीज आ गया। अब हमेशा ये कंपल्सरी तो नहीं है कि शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे, वो डाउनफॉल में भी आ सकते हैं। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फॉल्स ₹190, जब मिस्टर अरुण ने शेयर्स परचेज किए थे तो शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 200 पर शेयर, लेकिन आज शेयर की वैल्यू क्या आ चुकी है, मार्केट डाउन में आ चुकी है, शेयर की वैल्यू ₹190 हो चुकी है। अब ₹190 मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स, तो इट मींस मिस्टर अरुण की जो वेल्थ है वो कितनी हो गई, 19,000 हो गई। तो मिस्टर अरुण की वेल्थ 20,000 रुपीज थी जब उन्होंने शेयर्स परचेज किए थे, लेकिन आज उनकी शेयर्स की जो वेल्थ है वो कितनी हो चुकी है, 19,000 रुपीज हो चुकी है, जिसमें वो 1,000 रुपीज का क्या बियर कर रहे हैं, लॉस बियर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो फाइनेंस मैनेजर हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है उन्हें। दस ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फोकस्ड एट रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस कैन बी अचीव्ड by ensuring that all the financial decisions are cost effective. अब finance manager की जो duty है उसे वो कैसे जो है handle करेगा, कि finance manager को ऐसे decision लेने हैं जो cost effective हों, cost effective होंगे तो automatic company के profit increase हो जाएंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि जितनी cost minimum होती है, cost अगर आपकी minimum है, profit margins उतने ही higher हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपने डिसीजन लेने हैं जिससे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अब जो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनेंस मैनेजर को किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए जिनसे शेयर के मार्केट प्राइस बढ़ सके, क्योंकि शेयर के मार्केट प्राइस कैसे बढ़ते हैं, देखो कॉस्ट कंपनी की कम होगी, ऑटोमेटिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा,
और जिस कंपनी का जितना हायर प्रॉफिट होता है उस कंपनी के मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा हायर होती है। प्रॉफिट हायर है तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, प्रॉफिट्स कम है तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर उसी कंपनी के शेयर खरीदना पसंद करेगा जो कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। अब अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड क्या होगी? हायर होगी। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिक मार्केट के शेयर प्राइस भी, मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को इंक्रीज करने के पीछे सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? उस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स हायर हैं तो ऑटोमेटिक क्या हायर होगा? मार्केट प्राइस भी हायर होगा। मार्केट प्राइस हायर है तो हमारी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब मार्केट प्राइस को हायर करने में हमारे फाइनेंस मैनेजर किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? वो अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है? ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा प्रपोर्शन सेट किया जाता है कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स का ऐसा प्रपोर्शन सेट किया जाता है कि जिससे प्रॉफिट्स क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। कि जब फाइनेंस मैनेजर लॉन्ग टर्म प्रपोर्शन डिसाइड करने जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किस रेशियो में उसे यूज करना है, कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, जिससे उसके प्रॉफिट क्या हो सके? हायर हो सके। ऐसा डिसीजन लेना है हमारे फाइनेंस मैनेजर को। थर्ड डिसीजन जो हमारा फाइनेंस मैनेजर लेगा वो लेगा डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन, कि जितने प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि शेयर होल्डर्स भी हैप्पी रहें और ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व की फॉर्म में भी कुछ प्रॉफिट्स जो हैं वो रिटेन होते रहें, कि कभी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो खुद अपने लॉस को हैंडल कर सके, शेयर होल्डर से उसे कुछ भी ना मंगवाना पड़े। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को हमने मैक्सिमम करना है। और उसकी वेल्थ मैक्सिमम कब होती है? जब शेयर के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। और शेयर के प्राइजेस इंक्रीज कब होते हैं? जब कंपनी को हायर प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं। और कंपनी को हायर प्रॉफिट्स कब होते हैं? जब ऑप्टिमम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां पर इंप्लीमेंट हो रहा होता है, जो फाइनेंशियल डिसीजन वहां का फाइनेंस मैनेजर ले रहा होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं। और फाइनेंस मैनेजर तीन तरह के डिसीजंस लेता है, ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तीन तरह के डिसीजन जब एक फाइनेंस मैनेजर ले रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ही हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।